और वहीं रायपुर में किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आईसीआर के साथ धनुका एग्रीटेक के ने 3 महीने पहले एमओयू किया था, जिसको लेकर सभी ज्वाइंट कंपनियां ने बैठक की। बैठक के बाद आज अग्रवाल ने बताया कि खेती की उन्नति के लिए पहले आईसीआर कंपनी ने अकेले काम किया, लेकिन अब धनुका एग्रीटेक साथ में काम कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास 6 जापानी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और खेती की नई तकनीक किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पैदावार अधिक हो सके। हमने आईसीआर के साथ एक एमओयू किया है, जिसके अंतर्गत हम केवीके के साथ मिलकर डेमोंस्ट्रेशन देंगे, उनको नई टेक्नोलॉजी बताएंगे। आज जैसे ड्रोन आ रहे हैं, आयोटेक है, आईटा है, ये सब टेक्नोलॉजी हम किसान को वीडियो के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, उसके खेत पर मीटिंग करके, प्रदर्शन करके बताएंगे। आज हमारी आबादी बढ़ रही है, खेती की ज़मीन कम हो रही है, पानी भी हमारा कम होता जा रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस सब चीज़ों का साइंटिफिक सही तरीके से प्रयोग करें।